दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को, बताने वाला हूँ सबसे बढ़िया चीज़। पता है क्या चीज़? आपको टैग के बारे में पता है, आप डिस्क्रिप्शन के बारे में पता है, सारी चीज़ पता होगी ना। वीडियो में डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, टैग कैसे डालते हैं, वीडियो को रैंक कैसे कराते हैं ना। बट इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को चैनल में टैग कैसे डालते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप उनके चैनल का जैसे ही नाम यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनका सबसे फर्स्ट में उनका चैनल का नाम आ जाता है ना, आपको पता होगा। और जब आप अपने चैनल का नाम सर्च करते हैं तो कभी कभी आपके चैनल का नाम सबसे ऊपर नहीं शो कराता है, बाकी नीचे शो कराता है, जो एक दो के नीचे या फिर तीन चार को नीचे, ठीक है, जो नाम आते हैं। अपने चैनल को सबसे ऊपर रैंक में कैसे लेके आते हैं, जैसे ही आप अपने चैनल का नाम डालेंगे सबसे ऊपर वाले पे कैसे आएगा, ठीक है, सर्चिंग में। दोस्तों, मेरा नाम मनिंदर कुर्मी, आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज में, आपका स्वागत दोस्तों, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता होगा चैनल में टैग कैसे डालते हैं, ये वीडियो नई है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा देखना, आपके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको यूट्यूब खोल लेना है क्रोम में जाके, ठीक है। यूट्यूब खोलने के बाद उसे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, यहाँ से जाके, आपको पता ही डेस्कटॉप साइट कहाँ से करते हैं, नहीं पता होगा तो तीन बिंदुओं पर जाके डेस्कटॉप साइट कर लेंगे उसे। जैसे ही डेस्कटॉप साइट पर इसे खोलेंगे दोस्तों, आपको उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अभी इसे पेज को ओपन हो देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसे वॉल्यूम कम कर दूँ, इसे बैक चलते हैं, वीडियो के लोग कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब खोला, उसके बाद यहाँ से जो डेस्कटॉप साइट होता है उसे कर लेंगे, ठीक है, आपने करा होगा। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो आइकन का ऑप्शन दिखाई देता होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे आपको जो लोगो होगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से आपको स्टूडियो बीटा पे स्टूडियो लिखा है यूट्यूब, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका जो स्टूडियो बीटा होता है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप क्लासिक वाले पे हैं तो उस पर भी बताऊँगा आप किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको जो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे जो सेटिंग लिखा है, ठीक है, सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद, क्योंकि मैंने इसे अभी हिंदी में चला रहा हूँ इसलिए हिंदी में दिखा रहा है, ठीक है, इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से। यहाँ से चैनल लिखा है, चैनल पर क्लिक करेंगे। चैनल पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं 72 सेटिंग, ठीक है, यहाँ से जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें दो तीन जगह से काम कर सकते हैं, यहाँ से एक तो सामान पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से दिखा दूँ पहले, यहाँ से जो कीपैड है यहाँ से कीपैड पर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से चैनल लिखा है, यहाँ से चैनल की 72 सेटिंग यानी कि एडवांस, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से होगा चैनल एडवांस, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से रीलोड होकर नए पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं आप देश कौन सा है भाई, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल कीपैड, यहाँ से आप डाल सकते हैं कीपैड चैनल के बारे में, जैसे कि आपको जो फर्स्ट रैंक में नाम कराए, जिसके आप कभी नाम सर्च करें तो आपका फर्स्ट रैंक में करें, जैसे कि मेरा जिस चीज़ का नाम है, मेरा नाम है मनिंदर कुर्मी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से समय दो कॉलम लगा के, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना, या फिर कॉमा लगा के, ठीक है, यहाँ से नाम लिखा मैंने मनिंदर कुर्मी, जो भी नाम होगा दोस्तों इस तरीके से मनिंदर कुर्मी, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, बंद कर दिया, स्पेस दिया, इतना ही कीपैड हो गया। अब ब्लॉक करके लिखते हैं मनिंदर ब्लॉक, जो भी जैसे आप कीपैड डालेंगे उस कीपैड का नाम जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने उस तरीके का चैनल जो होगा आपको खुल जाएगा, ठीक है, आपका अगर चैनल होगा तो, और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में लगा देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्पेस दिया, बस स्पेस दे के फिर लिखा, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख दूँगा न्यू अपडेट, ठीक है, फिर लगाया इस तरीके से, मैं अभी सारे लगा दूँगा उसके बाद बताता हूँ आपको करना है। दोस्तों, आपको जितने भी यहाँ पे कीबोर्ड डालना है उस तरीके से आपको चैनल के हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे चले जाना है, सबसे इसे सेव करना है दोस्तों, सेव करने लिए सबसे नीचे चले जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन दिखाई देता होगा दोस्तों, यहाँ से उस सेव पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ से जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपके चैनल का जो भी कीपैड होगा वो पड़ जाएगा, कीपैड जो होते हैं जानती होगी, ठीक है, जैसे वीडियो में डालते हैं अपने वीडियो को रिंग कराने के लिए, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसे बैक चलते हैं दोस्तों, मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ कि इसे दूसरी जगह से कैसे कर सकते हैं, और बैक चलते हैं इसे। तो दोस्तों, यहाँ से सामान पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसे, यहाँ से 72 पे क्लिक करके, और दोबारा चलते हैं बैक थोड़े से, ठीक है दोस्तों, यहाँ से बैक चलते हैं।
और हम क्लास अभी नहीं से ऐसा करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो आदमी टाइप का एक ऑप्शन दिखाई देता होगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे अभी नहीं, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो पहले वाला स्टूडियो था यानी कि जो सेटिंग थी इसकी यूट्यूब की वो खुल जाएगी दोस्तों। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर आप पहले वाला चलाते होंगे तो इससे डेस्कटॉप साइड कर लेंगे, इससे डेस्कटॉप साइड जैसे ही करेंगे कंप्यूटर में दोस्तों ये डेस्कटॉप साइड करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर में खुल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक इस तरीके से। फिर क्या करना है आपको दोस्तों, चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, अभी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके सामने सबसे बेहतर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो लिखा है एडवांस, यहाँ से एडवांस आता है इंग्लिश में लिख के, इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से भी डाल सकते हैं दोस्तों। बात बोलिए, आप कहीं से भी खोलें अपने चैनल की सेटिंग, बात बोलिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है दोस्तों ये है क्योंकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और नई नई वीडियो जो होंगी वो अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।